हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या जोम्बी हंटर 2 ये जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफर में ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। और अगर मैं इस गेम की साइज़ की बात करूँ तो ये गेम 160 MB के आसपास में आपको देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो है ना, ये गेम इंटरनेट और वाईफाई के बिना चलता है, तो ये एक ऑफलाइन गेम है। अब देखो, ये गेम इंडिया में नहीं है, मैंने तो इसको टेप टेप से डाउनलोड करा है। एंड जोम्बी हंटर काफ़ी फेमस गेम है, वीवा गेम्स का शायद, जिन्होंने कवर फायर गेम बनाया उन्हीं का। और यहाँ पर ये उनका न्यू गेम है। एक और उनका गेम है गन फायर ओप्स करके, वो भी अभी आया नहीं है, वो तो मिलता ही नहीं। और जहाँ से डाउनलोड करो तो वही बोलता प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। बाकी चलो अभी हम देखें तो यहाँ पर ये गेम बीटा में अपने और अभी फाइनल लॉन्च नहीं हुआ है, कुछ कंट्रीज़ में ही लॉन्च हुआ है ये गेम। एंड अभी यहाँ पर जो है गेम में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होना बाकी है। अब एक चीज़ मैं बताऊँ ना, तो गेम की ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी है सही में। मतलब आपको जो है ना, ये गेम ग्राफिक्स वाइज बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं किस लेवल की ग्राफिक्स है यहाँ पर। एंड इसकी वजह से ना मुझे ये गेम ज़्यादा सही लगा। एक तो मिशंस बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेव्स आएंगी उन वेव्स को ही क्लियर करना, थोड़ा ऐसे कटसीन भी आते रहते हैं, थोड़ा हम आगे भी बढ़ते हैं और अलग अलग लोकेशंस पे जाके जो है हमको वो करना पड़ता है अपना। इनको तो पहले किल कर दो, बहुत दूर से आ रहे हैं। मेरी गलती ये हो गई कि मैंने पास वालों को पहले किल नहीं करा, जिसमें कि अभी कर दिया मैंने। थोड़ा फास्ट हाथ चलाना पड़ा, रीलोड में टाइम लग गया था। और भाई साहब, यहाँ पर ना ये मज़ा आ गया इन लोगों को मारने में। एंड इस बार जो है थोड़ा, अभी ये इतने सारे आ जाते हैं ना तो थोड़ा खेलने में मज़ा आता है। अभी इन सबको ही मारना पड़ेगा, जल्दी जल्दी मारो नहीं तो कि ये लोग आ जाएं। और ग्राफिक्स तो बहुत अच्छी है यार, यहाँ लाइटनिंग जो है ना, ये तो मुझे सही में बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी। ऐसे ग्राफिक्स का कोई ऑप्शन तो नहीं है। एक चीज़ में थोड़ा गेम अजीब लगा, जैसे ये इसमें जो कटसीन में, मतलब एक प्लेयर जो बोलते हैं ना, जैसे ये लोग जिसे बोल रहे हैं तो जो हमको साइड में बोलने का आता है, तो साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है उसमें, क्योंकि क्या बोलते हैं मुझे खुद भी नहीं पता। वो ऐसे मुझे पता है कि इफ़ेक्ट दिया उन्होंने थोड़ा रेडियो वाला, मगर वो लोग जो बोलते हैं ना, जैसे अभी यहाँ पर ये जो बोल रहा, ये मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ भी आवाज़ आ रही है। एंड हाँ, ये है कि अलग अलग मतलब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब मैं इनको तो नहीं मार सकता हूँ, मुझे जिनको मारना है वो मुझे यहाँ देखने को मिलेंगे। तो इसको मारना है मुझे, तो ये हमने इसको भी किल कर दिया। ऐसा नहीं ज़ोंबीज को ही मार रहे बस, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत ही सारे लोग हैं और सब मेरे को मारने लग गए। और इसको भी मार दो, और यहाँ पर मुझे बहुत ख़तरनाक डैमेज पड़ रहा है। मुझे मार कौन रहा है ये भी नहीं पता है मुझे। एक तो यहाँ पर से कोई मार रहा है, तो इसको किल कर दिया। और एक बस ये बच्चा है, इसको भी किल कर दो ना, नहीं तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। और एक और कोई है, एक यहाँ पर से लाइट आ रही है, एक ये लाइट आ रही है। और उसके बाद में एक इधर कहाँ से लाइट आ रही है, एक ये मार रहा है। एंड एक ये फाइनल यहाँ पर है, तो इसको भी किल कर दो। अब तो शायद नहीं दिख रहा मुझे कोई, हाँ चलो किल कर दिया। अब जैसे आप देख रहे होंगे, भली है जोम्बी हंटर गेम, मगर कुछ कुछ ऐसे मिशन भी आते हैं जिनमें हमको और भी बुरे लोग जो है उनको भी मारना पड़ता है। तो एट दी एंड पूरा कैंपेन में स्टोरी बेस्ड गेम ही चल रहा है। खेलने में आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा, क्योंकि ग्राफिक्स से तो आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हैं। एंड अच्छे डेवलपर से तो इनका मतलब ऑप्टिमाइजेशन गेम्स का काफ़ी अच्छा है, तो वो चीज़ भी है। बाकी इन लोगों को भी मार दूँ, नहीं तो फिर ये भी प्रॉब्लम देंगे आगे जाके। और थोड़ा आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं क्या है। ये तो अपने जो भी टीममेट्स हैं उन्होंने एक ही को इतनी देर में मारा, और ये मतलब उनसे ज़ोंबी से भी लड़ रहे हैं, हमसे भी लड़ रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई ऐसा क्यों। बाकी यहाँ पर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं और क्या क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंटीरियर की जो ग्राफिक्स है बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है सही में। यहाँ पर तो मतलब वो आएगा। अब इसमें जो है ना, मुझे इसको किल करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या, कि मुझे इसके जो ये है ना पिंक इस पर किल करूँगा ना तो ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पर से इस तरीके से इसको मैं इसके पिंक पे मारूँगा ना, तो शायद ये डैमेज हो इसको अच्छा, और ये फटेगा तो वो ऑलरेडी मर जाएगा दूसरा ज़ोंबी। नहीं नहीं नहीं, ये मोटा वाला नहीं फटा है, तो इसको किल करता हूँ मैं। और ये हेड पे हेड। अब एक जो है वो पीछे वाला बच गया, और ये क्या है भैया, इसने डरा ही दिया। बाकी आपने छोटे ऊपर देखा, उसके लिए भी थैंक यू।